तो बहुत सब गाइस क्या हाल चाल है, मेरा आई बॉय बढ़िया होंगे। तो भाई इसका एक बंदा ऑफलाइन है क्या? अन्य भैया ऑफलाइन पड़े हैं बेचारे, जाके खा लिया इनने पूरी। ओके तो गाइस यहाँ पर बात करते हैं अन्नू के। अन्नू यहाँ पर नॉक पड़े हैं और मैं क्या से, तो ये है तो शायद चले जाएंगे, ये तो ऑफलाइन होने वाले हैं अब बेचारे, ये तो गए। और गाइस एक बंदा कह रहा था कि बंदा ऑफलाइन हो जाता है तो कंप्यूटर उसको खेलता है, कंप्यूटर। मेरे ख्याल से उस बंदे ने मुझे बोला था कि भाई जब बंदा अगर वो हो जाता है, बंदा नहीं आ पाता है तो बंदा वो कंप्यूटर खेलने लग जाता है। वो पता नहीं किस बंदे ने बोला था, मैं आज उसके बंदों पे नोटिस करूँगा। तो ये बंदा ऑफलाइन है और अन्नू अब आ चुका है बैकअप, तो इसे ऑफलाइन हो गया था बट इसका बैकअप आ चुका है। मेरे ख्याल से ये आ चुका है, ये टेढ़ा खड़ा है ना, तो मेरे ख्याल से आ चुका है। ओके तो पहला राउंड यहाँ पर ब्लू टीम के हाथ में गया है, दूसरा राउंड देखते हैं किसके हाथ में जाएगा। तो मेरे ख्याल डी जेट मॉन्स्टर की जगह हमें डी जेट होता है, लेकिन डी जे मॉन्स्टर बोलता हूँ। बट डी जेट मॉन्स्टर के बारे में बात करें तो अच्छा प्लेयर है, और एम पी अमित भाई भी यहाँ पर बहुत अच्छा प्लेयर है। हमारे दोनों ही बंदे हमारे ऐप के सबसे पुराने प्लेयर हैं। और बात करते हैं यहाँ पर डी जेड मॉन्स्टर की, तो डी जे मॉन्स्टर के सबसे बढ़िया बात है खासियत, ये बंदा किसी भी चीज़ से डरता नहीं है, चाहे कितनी उसके सामने प्रो टीम आ जाए। नाइस, इसकी बंदे की काबिलियत देखनी पड़ती है। ओके और एम पी अमित भाई की बात करें, एम पी अमित की भाई की भी टीम मस्त है, सारे टीम के मस्त बंदे आते हैं इनके भी। ओके एक बंदा नॉक हो गया, दोनों बंदों ने एक साथ रश पेला। बट यहाँ पर बात करते हैं प्रो बॉय की और यहाँ पर ही बात करते हैं अनु की, दोनों बंदे ही अलग अलग हैं, ये गलत होता है, ये सिस्टम बहुत बेकार लगता है मुझे। और यहाँ पर बात करते हैं प्रो बॉय की, प्रो बॉय एक अच्छे अच्छे खासे प्लेयर हैं और ये भी हमारे ऐप में बहुत टाइम से खेलते आ रहे हैं। इनका नाम रियल नाम तो शांत है, और मैं सबसे बड़ी बात ये है कि ये प्लेयर सबसे खासियत प्लेयर होते हैं, जो हमारे ऐप में पुराने पुराने प्लेयर हैं वो बंदे बहुत टाइम से जानते होते हैं, तो खेलने का उनको शौक होता है, जज्बा होता है, जुनून होता है। इनकी भी टीम अच्छी है, इनकी दिव्यांश वगैरह इनकी सारी टीम में मेंबर हैं और भी बहुत कुछ है। ओके ग्लोबल एंड ग्रेनेड नॉट यूज। ओके हाँ तो गाइस मैं एक बात बताना चाहूँगा, मैं बहुत अक्सर से एक बात याद रखना चाह रहा था, क्या था कि भाई एक बात बताओ, जैसे कभी हम वो करते हैं तो गाइस एक मिनट में कॉल आ गया, अटेंड कर लिया। हेलो हाँ जी क्या जी, पता नहीं कौन था। ओके तो गाइस मैं एक बात बोलना चाहूँगा, हाँ हेलो स्पॉन्सर बताइए कितने तक का कराना चाहते हैं, कौन सा मैच कराना चाहते हैं, प्लस स्क्वाड में 20 रुपये वाला, हाँ तो बताइए उसमें क्या करना है। हाँ करा सकते हैं, उसमें से बस 45% मैं लूँगा। हाँ मतलब आपको अपने बंदे लाने हैं, प्राइवेट मैच कराना है, उसके लिए मैं कर सकता हूँ। नहीं वो तो मेरी तरफ से आ रहे हैं, बट आपकी तरफ से कोई बंदा आ रहा है उसको कहते हैं प्राइवेट मैच, उसको कहते हैं स्पॉन्सर। तो उसमें मेरा प्रॉफिट ही क्या है फिर बाद में आपका, मतलब उसमें आप क्या कहना चाह रहे हो, उसमें तो मेरे बंदे आएंगे तो क्या फ़ायदा उसमें आपका। नहीं आपको फिर एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे पैसे, आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि अभी आपके पैसे 20 रुपये ही जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, आपको अपनी एक टीम लानी पड़ेगी जब ये आपका स्पॉन्सर मिलेगा। और वैसे भी स्पॉन्सर मैं आपके उसकी वजह से बता रहा हूँ, क्लास स्क्वाड की वजह से, क्लासिक मैच की वजह से नहीं होता, क्लासिक मैच का अलग स्पॉन्सर होता है आपका जो मिनिमम। मैं आपका कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको अपनी एक टीम लानी पड़ेगी, हाँ हाँ एक टीम लानी पड़ेगी, सामने वाली टीम को फिर
जो बंदा ही ज्वाइन करेगा वो आपको देखना पड़ेगा, उसमें से 45% मैं ले लूँगा। हाँ आपको अपनी एक टीम पे करना पड़ेगा। उसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी एक टीम बनानी है। जैसे आपकी टीम बन जाए उसमें प्राइवेट मैच होगा, उसको मैं डाल दूंगा। आपको पहले ज्वाइन करना पड़ करेगा अपनी एंट्री, मतलब पे करके, मतलब हाँ हो सकता है बट उसका महंगा होगा। तो हाँ दो तो रेगुलर चलता है उसका एंट्री फीस और उसका ही। नहीं उसमें से आपका प्रॉफिट होगा ना, उसमें से आपको जितने पैसे बनते हैं उसमें से आपको हाफ पैसे मिलेंगे। वाकई विनिंग भी मिलेगा तो आपको उसमें से मिल जाएगा पैसा जो होता है स्पॉन्सर। बट उसमें आप आपको हमारा ऐड आपका कोई भी मतलब कोई भी आपको एक ऐड वेड करना पड़ेगा, मतलब आपको हमारे ऐप के बारे में कोई ऐड वगैरह करना पड़ेगा। अगर पहले आपका यूट्यूब चैनल के लिए स्पॉन्सर कर रहे हो या अपने पर्सनली कर रहे हो? अरे पर्सनली के लिए कोई स्पॉन्सर है क्या? नहीं बता पूछ रहा है लाइन पे है तो। हाँ भाई आपने जीमेल पे मैसेज कर लो पर्सनल के लिए। मेरा भाई कह रहा है पर्सनल के लिए नहीं है बस यूट्यूब के लिए था ये। हाँ मैं अपने भाई से बोल दिया है, वो कह रहा है कि ये बंदा मुझे जीमेल पे मैसेज कर देगा, मैं रिप्लाई कर दूँगा। दो सौ 300 सब्सक्राइबर है। नहीं है पर्सनली अपने स्पॉन्सर करने के लिए बोल रहा है। आपको मैं डुओ बोल रहा हूँ, मैं डुओ है वही मिनिमम 300 का। हाँ 45 बोल दिया। हाँ आप मैसेज कर लो व्हाट्सएप पर उसके क्या नहीं जी मिल रहा, वो रिप्लाई कर देगा। ठीक है लेकिन वो एक बात बता उसमें फ़ायदा क्या है? 45% ही तो है, 45% प्राइवेट मैच का उसका क्या प्रॉफिट होगा? उसको तो नुकसान ही होगा उसका। चलिए कोई नहीं। तो गाइस जो यहाँ पे 2v2 हो चुका है, क्या बात है, मतलब दो का दो इसके। अरे भाई चाय में अदरक डाला करो यार। अरे लैपटॉप ले लेते हैं नया, अभी तो सेल चल रही है। ओके गाइस तो यहाँ पे प्रो बॉय एंड एमपी अमित, तो देखते हैं कौन लेके जाता है ये वाला मैच। अगर यहाँ पे जोन से भी टीम लेके जाए, मैं आपको एक बात बता दूँ। ओए भाई ले गया है यहाँ पर प्रो बॉय। ये बेटे तुझे पता चल रहा है अभी वो चल रहा है वह चालू चाह रही वही वो चलिए बॉस। जे जिस गिल्ट से है उसका नाम है बॉस, समझ रहे हो ना बॉस। गाइस गॉड ओके तो आगे बढ़ते हैं। ओके इन स्पॉन्सर शिप हमारा ऐप का उसको नहीं होता क्या गूगल पे गूगल ऐप पे? अरे आराम खो रहा साला, हुआ साले सारे फ्रॉड है, मैंने देख लिया, मैंने सब सब में पैसा चले जाता है यार। कोई बंदा भी मतलब ढंग से कोई ऐड भी करने के लिए तैयार नहीं होता। गेमर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गेमर क्या है, गेमर हमारे कोई फायदा नहीं है और बाकी बंदों के भरोसा भी नहीं। हाँ मैं उसको तो जानता हूँ कारण उसका प्लेयर बॉल वाले को, प्लेयर जोन वाला, प्लेयर बॉल वाला और उसको भी। वही तो समझ में नहीं आ रहा किससे करवाएं।
देखो ढूंढो कोई ना कोई बंदा मिलेगा जिसके करीब होंगे 3-4 लाख। 3-4 लाख अब तो लाखों में ढूंढना पड़ेगा, अब तो मतलब हजारों में कोई बात ही नहीं बनेगी हमारे ऐप की। लाखों में ढूंढो जिसके 3-4 लाख हो, जिसके 3-4 लाख हो उस पर ढूंढो। नहीं ऐप को तो मैं इस ऐप को प्लेटफॉर्म को तो बड़ा कर दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है मुझे। नहीं वो चल रही है ना रिकॉर्डिंग, चल रही है मैच देख रहा हूँ मैं। लेकिन मुझे इस बार जो ऐप के लिए चाहिए ना, मतलब ऐप को अब की बार मुझे ऐसा अपडेट लाना है इसका, मतलब किसी को कॉपी नहीं लानी मुझे। हाँ अपडेट का लोग मैंने डिजाइन तो तैयार कर लिया है, डिजाइन तो मैंने तैयार कर लिया है ऐप का। हाँ नया लैपटॉप लूँगा ना मैं, अभी देखता हूँ नया लैपटॉप ले, मैं ले तो लूँगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैं इस ऐप का क्या डिज़ाइन पूरा नया कर लुक लुक मतलब तुमने देखा है ना बाकी ऐपों का जैसा नहीं करने वाला, इस ऐप का मैं लुक ऐसा करूँगा अभी तक किसी भी ऐप में नहीं होगा, समझ रहे हैं, अभी तक किसी भी ऐप में ऐसा लुक नहीं होगा। हाँ और सबसे बड़ी बात, मैं इस बार जो कॉइन वगैरह स्क्रैच कार्ड के बारे वगैरह के नहीं सोच रहा मैं, ना स्क्रैच कार्ड ना फ्री फायर वालों के लिए। सबसे अच्छी बात है फ्री फायर वालों के लिए मैंने इसमें रख दिया है अपने डायमंड, मतलब उनको हर एक मैच से एक डायमंड मिलेगा और 50 डायमंड का वो रिडीम कर सकते हैं, 50 डायमंड का उनको टॉपअप दे दूंगा, है ना यार भाई। मतलब उनको हमारे हर एक ऐप पर, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि डायमंड का हम एक लकी हो, मतलब स्क्रैच की तरह ही होगा बट उसमें डायमंड निकलेगा, उसमें पैसा नहीं निकलेगा। ये वैसे ही मैं ज्वाइन करते हैं लेकिन बट उनको पैसा देंगे तो वो लगता है ना, और रेडिंग भी नहीं कर पाएंगे बेचारे, तो इनको मतलब हम डायमंड दे देंगे ना, डायमंड 50 का डायमंड तो हो जाएगा करेगा इनके पास आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि 1000 सब्सक्राइबर में कम्प्लीट होने वाले हैं और मुझे फ्री फायर वालों से बात करनी है, क्योंकि फ्री फायर वाले रिस्पॉन्स नहीं दे रहे मुझे, क्या करूँ कैसे करूँ। हाँ हाँ मैंने बात करी थी उनसे। हाँ मैंने भी यही सोचा कि वो भी 1500 तक, हाँ वो 5000 तक सुनेंगे मेरे ख्याल से, मेरे को भी यही लग रहा इससे कम सुनेंगे भी नहीं यार। हाँ मैं ये सोच रहा हूँ वो क्या नाम है उसका, लड़की का नाम क्या है, दिया, मिस दिया ना उसका नाम, दिया। हाँ उससे बात करियो, उसके 5-6 लाख फैन है ना, उसके लड़की है ना, तो उससे बातचीत कर ले, अगर वो दे दे तो। रिस्पॉन्स तो चाहिए मुझे, वो नहीं चाहिए मतलब वगैरह लगाना, बस वो नहीं चाहिए। वो मेरे को एक टूर्नामेंट कराना है, सबसे बड़ा टूर्नामेंट, मतलब मैं ABCD टूर्नामेंट कराना चाहता हूँ। ABCD तो मेरे को पता होगा, तूने भी करा रखा है, लेकिन नहीं इस ऐप को अब मैं पूरी तरह से इसको एकदम परफेक्ट इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म पर ला दूंगा, इस ऐप को इंडिया का नंबर प्लेटफॉर्म पर ला दूंगा। नहीं इसमें विनिंग प्राइस का कोई वो नहीं है सिस्टम, नहीं अभी तक हमने किसी का मतलब हम रोकना भी नहीं चाहते किसी का विनिंग, नहीं अमाउंट भी आराम से वो जितना मर्जी आप विड्रॉल मार लेते बंदे, 92 52, कोई बंदा भी मतलब हमारे किसी की तरह ये नहीं कर पाता है कि भाई किसी को 100 रुपये मिलेंगे, किसी को मतलब 100 50 ऐसा करके रिडीम कर सकते हैं, बाकी 1-2 रुपये मिल जाएंगे, नहीं सारे कर सकते रिडीम जितनी मर्जी चाहो। हाँ मिले मीटर 50 का करता मैंने, उससे कम नहीं कर सकता, मिले मीटर रुक 1 मिनट मैं तेरे को कॉल करता हूँ 10:40 तक, 10:40 नहीं हाँ 11 बजे तक कॉल करता हूँ, बस ये मैच खत्म होने वाला है, डी एंड है, उसके बाद थोड़ी बहुत हाँ अपलोड करता हूँ ना डेली, मैं यूट्यूब का ग्रोथ भी रहती है सही पे। हाँ वो डेली हर बंदे की अच्छे अच्छे प्लेयर भी है यार मेरे ऐप में, अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, हाँ मतलब कोई चीटिंग करने वाला प्लेयर नहीं है, अच्छे अच्छे प्लेयर सारे परफेक्ट।
नहीं कोई भी चीटिंग नहीं करता ना, मतलब हाँ हैकर तो पता है गांड में तो चूल होती है हैकरों की, भोसड़ी वाले हर कहीं 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 ना कहीं से आ जाते हैं। हाँ वो ही, इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता रहे। चल ठीक है मैं रखता हूँ। तो वो सब गाइस क्या हाल चाल है, यहाँ पर नहीं बात करते हैं ब्लू टीम के, तो ब्लू टीम के हो चुके हैं भाई 6 पॉइंट, रेड टीम के हो चुके हैं यहाँ पे 3 पॉइंट। तो मेरे ख्याल से भाई देखो मजाक से हट के बात अच्छी बनने वाली है, तो यहाँ पर नहीं यार बात करते देखो भाई प्रो बॉय की, तो प्रो बॉय बेचारे यार अकेले रह गए हैं, बेचारा अकेला रह गया है उसका एक बंदा अनु, तीसरा राउंड तक तो खेला बट वो चौथे राउंड में निकल गया बाहर, उसका नेट ही लीक कर गया या तो उसको कोई प्रॉब्लम आ गई या पता नहीं क्या होगा। ओके और यहाँ पर नहीं अकेले रह गए, नहीं तो वरना तो जीत ही जा सकता था, यहाँ पर 3 राउंड तो खींच ही लिया है यहाँ पर नहीं, अब बस लास्ट राउंड बचा है, लास्ट राउंड में यहाँ पर नहीं बचे हैं डीजे मास्टर एंड एम पी अमी, तो मैं कहते मैच तो खत्म हो गया, अकेला क्या करेगा बंदा, बुरा लगता है यार। देखो अपना नेट रीस्टार्ट करके आया करो, अच्छा अच्छा नेट चलाया करो यार, देखो अकेले फंस जाते हो बुरा लगता है यार, बहुत बुरा लगता है। ये क्या कर रहा है, ओ मगर बची तो दुर्घटना घटी, क्या बात है दोनों बंदे ऐसा करेंगे सोचा भी नहीं था, अकेला बचाए यहाँ पर नहीं है प्रो बॉय बेचारा प्रो बॉय, चलो कोई नहीं अच्छा खेलता है ना उंडा, अच्छा खेलता है अकेला, अकेला पूरे गेम को टिका देगा देख लेना, अब जान मुझ के हार जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बंदे अकेले ही टिका देता है कोई डर नहीं है, ये तो डीजे डीजेड मॉन्स्टर को तो आराम से मार लेगा, अच्छा खेलने वाला प्लेयर है। ओ भाई भाई भाई, भाई क्या क्या बात है, ले गया तो गाइस रेड टीम के हाथ में आ चुका है यहाँ पर नहीं भाई, ये चीज़ मस्त लगी मुझे, मस्त लगा एकदम बढ़िया ओपी, उसने लास्ट मौके पे बम मार दिया, मतलब लास्ट मौके पे उसने पहले ही उसको किल कर दिया बट वो भी किल हो गया उसका एक सेकंड बाद। चलिए गाइस 6 वर्सेस 4 मतलब 1 वर्सेस 2 में देख लीजिए वहाँ पर, यहाँ पर क्या मैच चल रहा है अभी 6 वर्सेस 4 हो गया, देख रहे हो अकेला बंदा कितना कुछ कर सकता है, सोचो 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 अकेला बंदा बहुत कुछ उखाड़ लेगा, ये क्या कर रहा है इसको क्या हो गया, मेरा नेट नहीं चला क्या, अच्छा मेरे को लगा वही बंदा खड़ा हुआ है। ओके नेट एम पी एम द्वारा नॉक हो चुके हैं यहाँ पे लास्ट, मतलब अकेले प्लेयर ने ही सब कुछ कर रखा है, तबाही मचा रखी है, ब्लू टीम को बस लास्ट पॉइंट चाहिए, मतलब समझ रहे हो ना ब्लू टीम को बस एक ही पॉइंट चाहिए, ज़्यादा पॉइंट भी नहीं चाहिए इतने नहीं। तो गाइस ये हो गया पॉइंट इनके हाथ में, तो गाइस जीत चुके हैं यहाँ पे ब्लू टीम बिल्कुल, बस फर्क इतना है 1 वर्सेस 2 में, नहीं तो जीत हार भी सकते थे और जीत भी सकते थे। चलिए गाइस चलते हैं, और गाइस आपको ये गेम प्ले कैसा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, 1000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट होने वाले हैं, प्लीज़ यार ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखो, तुम्हारी रॉयल टीम बहुत ऊपर आई पक्का है इस बात की गारंटी है। ओके मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।